नमस्कार दोस्तों, मार्केट पे लोअर सर्किट लगते जा रहे हैं। मैंने भी कुछ ऑर्डर लगाने की कोशिश की है एक्सिस बैंक पे, बट ना ही वो सीएनसी में लगे हैं ना ही एनआरएमएल में लगे हैं। तो अभी मैं फिर से देख रहा हूँ कि मार्केट में लोअर सर्किट लग चुका है। तो इस वीडियो में हम एक्सिस बैंक के चार्ट को रीड करेंगे और देखेंगे इसके कहाँ पे लेवल्स बनते हैं। तो अगर आपने भी पैसा लगाना है, आपको नहीं पता टेक्निकल स्टडी कैसे करते हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एक आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी बता रहा हूँ, investing.com। यहाँ पे फ्री में आप लोग भी चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। कोई वैसा इसमें कुछ नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे या वैसा कुछ नहीं है। बाकी आपके पास अपने ब्रोकर का को होगा ही, जैसे कि मैंने टीवीएस मोटर का पहले एनालिसिस किया, वो अपने ब्रोकर के अंदर किया। बट काफी सारे लोग खुद का एनालिसिस करना चाहते हैं, उनके पास नहीं है शायद ये वाली चार्ट फैकल्टी, तो वो इन्वेस्टिंग ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलो हम लोग रीड करते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्क आप सबका होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरी बातों में आके इन्वेस्ट मत कीजिएगा, मैं सिर्फ आपको एक लेवल्स बताने वाला हूँ, तो ये बात ध्यान में देखिएगा। तो देखिए, ये वन डे के बेसिस पे अगर आपको कुछ देखने को मिल रहा है तो आप लोग भी देखोगे। हम लोग यहां से ड्रॉ करते हैं लाइन इस तरह से, अ अ अ कैंसल। चलिए, ये इस तरह से आपको एक लेवल दिख रहा होगा, है ना। यहां से स्टॉक इस लाइन को फॉलो करता हुआ ऊपर जा रहा था, यहां पे ब्रेकआउट है, ये लेवल था 664 का। जब ये लेवल टूटा तो नीचे का जो लेवल बनता था वो कहीं ना कहीं इसकी सपोर्ट बनती थी, ये वाली, या फिर ये पहली सपोर्ट बनती थी। यहाँ पे कुछ देर रुका, फिर उसके बाद ये बनती थी, ये भी टूट गई। यहाँ पे बनती थी, ये भी टूट गई। यहाँ बनती थी, ये भी टूट गई। यहाँ बनती थी, ये भी टूट गई। 445 तो भैया टूट गया। अब बैक साइड पे आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हमें दिख रही है, वो है 450 की, वो भी टूट गई। नीचे आते हैं यहाँ पे 425, वो भी टूट गई, क्योंकि स्टॉक अभी 342 पे है। तो इतनी पीछे जाने से बेटर है कि हम लोग 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं। 1 मंथ का चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, तो चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ आपको यहाँ पे, और देखते हैं भैया कहाँ तक जाएगा ये। तो इसको थोड़ा सा जूम जो है वो हम कम कर देते हैं, और अब देखते हैं चार्ट। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा। अब हम इस लाइन को हटा देंगे क्योंकि इसके बेसिस पे नहीं स्टडी हो पाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो आप लोग इसको यहां से ड्रॉ कीजिए। यहां से हम ड्रॉ करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो अभी जो नीचे के लेवल दिख रहे हैं वो 292-289 के करीब आपको दिख रहे होंगे कि स्टॉक को होना चाहिए। अभी 342 मेरे ख्याल से मार्केट ओपन हुई है, ट्रेडिंग होना शुरू हुई है, तो आप लोग देख सकते हो। तो स्टॉक कहीं ना कहीं देख लीजिए 341, यानी कि कहीं ना कहीं 294 के करीब आपको मिलता है, तो एक आपका लेवल बन जाएगा यहाँ पे बाय का, ये बात ध्यान रखना। नॉर्मल मोटी मोटी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल आप देख सकते हो, स्टॉक उसी के पास आना शुरू हो चुका है, नियर अराउंड 335 आ गया है, 10:57 हुए हैं। तो इस लेवल पे काश स्टॉक आएगा 308 पे, तो आप कुछ बाइंग कर सकते हो, फिर 294 पे बाय कर सकते हो। नीचे की तरफ अगर मैं लेवल देखूं तो दोस्तों, मुझे जो नॉर्मल लेवल दिखते हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक को इस रेंज में एक बार दोबारा से आ जाना चाहिए। 164 तक ये नीचे आ सकता है अगर इसने ये वाला लेवल तोड़ दिया। जिस दिन ये स्टॉक 200 तकरीबन, मैं कह देता हूं आपको 273 के करीब करीब दिख गया, उसके नीचे चला गया, ये स्टॉक आपको इतना टाइम भी नहीं देगा निकलने का। याद रखना 155 तक आ सकता है, तो पैनिक नहीं होना है। यहाँ पे आपको एवरेज करनी है, यहाँ पे आपको बाय करना है। जैसे कि देखिए एक्सिस बैंक, मैंने आपको कहा तो भैया मैंने तो अपनी बाइंग जो है वो शुरू कर दी है। देखो मैं इन्वेस्टमेंट आपके सामने ही कुछ बाय करूंगा, अभी मैं सिर्फ देख रहा हूं। तो अपने पास जो क्वांटिटी है वो छोटी छोटी आपने क्वांटिटी बना देनी है, तो हम लोग लगा देते हैं 326 का। मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो रहने देंगे, प्लेस कर देते हैं ऑर्डर, कंफर्म कर देते हैं ऑर्डर। चलो 326 पे लगा दिया है, ओपन हो गया, देखेंगे मिल गया तो मिल गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अभी 315 318 तक आना चाहिए, मैंने तो 326 का टारगेट लगाया है। 294 275 ये जो लेवल है तकरीबन दोस्तों, अगर ये स्टॉक तकरीबन यहाँ पे अगर कुछ दिन ट्रेड किया, मैं आपको बताता हूँ कि आपको वेट करना है तो कहाँ तक वेट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है नीचे आ जाए। तो कम से कम अगर ये स्टॉक आपको मिलता है कहाँ, यहाँ पे, जिस दिन ये स्टॉक 289 294 आप कह सकते हो 280 के नीचे कुछ दिन ट्रेड कर गया, क्लोज हो गई कैंडल, तो आपको टाइम भी नहीं लगेगा 160 पे देखने में। याद रखना, देखो यहां से गिरा था, ये देखो यहां से गिरा था,
तो बस यही एक लेवल है इसका 278 का एक्सिस बैंक का, जो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा 164। उसके नीचे का मेरे को नहीं लगता 60 रुपीज ये आ सकेगा। तब तक कोई ना कोई एक अच्छी न्यूज आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। बाकी मैं आपको यहाँ पे फिगो लेवल पे भी दिखा देता हूँ रिट्रेसमेंट कहाँ तक इसकी हो सकती है। तो ये स्टॉक कम से कम आप कह सकते हो यहाँ से चलना शुरू हुआ था, तो आप देख सकते हो इसकी जो रिट्रेसमेंट लेवल था, हो सकता है आज की जो क्लोजिंग है वो 351 के ऊपर हो, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये 0.61 की जो रेशियो है वो बन जाती है परसेंटेज। उसके नीचे आप देखोगे ये लेवल बता रहा है 219 कुछ का, लेकिन मेरे को लगता है 219 पे सपोर्ट नहीं ले पाएगा, नीचे ही चला जाएगा 162, या फिर आप 219 तक 221 तक का वेट कर सकते हो। ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि यहां से भी ये घूमा था, अगर आप ध्यान से देखोगे ये कैंडल बाइंग की बनी थी। तो आपको 223 पे भी बाइंग दिख सकती है, आपको 264 पे भी बाइंग दिख सकती है अगर इसके नीचे गया। अभी फिलहाल 335 पे ट्रेड कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये नॉर्मल से लेवल है, हर एक स्टॉक के अंदर कुछ आपको इस तरह से ही देखना पड़ेगा, ट्रेंड्स आपको ड्रॉ करके देखने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बी रेडी इन्वेस्टमेंट के लिए, अब तैयार हो जाइए, कहीं ना कहीं आपको एक मौका जो है वो मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक 538 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक तो आपको बाइंग जो है आप कह सकते हो मतलब ऊपर का लेवल तो नहीं देखेगा। अभी हो सकता है ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं ये वाली रेंज है, आप देख लो ये एक रेंज बन रही है यहाँ पे, ध्यान से इस चीज को देखो, ये एक रेंज बन रही है। स्टॉक 286 तक आने की कोशिश जरूर करेगा, एक बार वन टाइम स्टॉक को 289 के पास आने के लिए आना ही पड़ेगा जहां तक मैं मानता हूँ, क्योंकि यही एक सपोर्ट है, या फिर यहाँ पे एक सपोर्ट थी। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैं आपको एक सपोर्ट का लेवल और दिखा देता हूँ। जो स्टॉक घूमा था वो कहीं ना कहीं यहां से घूमा था, तो स्टॉक यहां पे आज अगर क्लोज हुआ तो हो सकता है 376 के ऊपर हो जाए, बट अगर कैंडल 376 के नीचे क्लोज होती है तो याद रखना 364 360 के तकरीबन मैं आपको लेवल्स यहां पे मेंशन कर देता हूं कहां पे जाके यहां पे जो है सेलिंग प्रेशर बन सकता है। तो नियर अराउंड अगर ये स्टॉक आज कहीं ना कहीं 369 370 360 के नीचे क्लोज हुआ, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है याद रखना, ये वाली लाइन अगर स्टॉक 344 360 के नीचे यार क्लोज हो गया ना इस लेवल पे, याद रखना थ्री ये लेवल आपको मैं थोड़े जूम करके दिखाता हूं क्योंकि मुझे भी ऐसे प्रॉपर नहीं दिख रहे हैं। तो ये जो कैंडल है, ये जो बनी थी ये वाली कैंडल, कहीं ना कहीं ये हमें दिखा रही है कि अगर स्टॉक याद रखना 342 के नीचे क्लोज हुआ तो आपको जो लेवल है नीचे के 317, अगला लेवल 294, 294 तक स्टॉक आ सकता है अगर 340 के नीचे क्लोज हुआ। तो ये इसके फिगो लेवल भी आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी से हम और भी स्टॉक के बारे में बनाएंगे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इन्वेस्टमेंट आपकी है, रिस्क आपका है, ध्यान से देखिए, ये स्टडी के पर्पज से मैंने वीडियो बनाई है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना बिल्कुल मत भूलिएगा।